पूर्वी लद्दाख में चीन की धोखाधड़ी के बाद भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग तेज होती जा रही है। सरकार की तरफ से कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। अब जनता में भी इसको लेकर एक अभियान सा चल रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर राखियां चीन से आती थी, पर इस बार कई शहरों में स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर राखियां बनाई जा रही हैं। प्रयागराज में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। राखी बना रही यामिनी सिंह ने कहा कि पहले लोग चीन का सामान लेते थे, अब हम चाहते हैं कि लोग हमारी बनाई राखियां अपने भाइयों को बांधे। हमारे घर में भाई, बहन, माँ और आसपास के लोग सभी राखी बना रहे हैं। यामिनी ने दिखाया कि उनके द्वारा बनाई राखी कैसे पैक होकर बाजार में जा रही है। लिंक दे दीजिएगा जी। हम लोग राखियां बना रहे हैं ताकि हम लोग चाइना को मार्क दे सके। जो लोग चाइना का सामान लेते थे ज़्यादातर, तो अब हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया का सामान लें सब। हम लोग जो हाथों से बना रहे हैं, जैसे कि हमारी मम्मी, मेरे भाई, मेरी बहन और हमारे बगल में आंटी लोग रहती हैं, आके वहाँ हमारा सहयोग करती हैं, हमारे साथ बनवाती हैं। तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनकी मेहनत भी कर लाए और इस राखी से उनका भी फ़ायदा हो, क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादातर लोगों के रोज़गार बंद है। उनके हस्बैंड कमाने जाते थे, वो भी बंद है, तो इस वजह से वो अपनी इनकम, अपना खर्च इसी से निकाल सके। इस वजह से हम लोग राखियाँ बना रहे हैं।